नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बहन जी हमारी तरफ से कुछ भी ले लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, एंड तक देखिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पर एंड तक जरूर देखिएगा। कई साल पहले जब ज्वेलरी में हॉलमार्क आया था और नॉन हॉलमार्क भी चलता था, तो जो हमारी माताएं बहनें ज्वेलरी खरीदने जाती थी तो पूछती थी सोनार से, दुकानदार से, भैया इस हॉलमार्क में क्या है? तो बोलता था, बस महंगा है जी, है तो कुछ नहीं, ले लो। तो कभी भी क्लैरिटी उस टाइम नहीं दी गई उस चीज़ की एग्जैक्टली, एंड चीज़ महंगी बताई जाती थी और बस महंगी ही बताई जाती थी। टोटल प्रोडक्ट को ढंग से कभी नहीं समझाया जाता था, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी थी पुरानी और उसमें क्या क्या काम हो सकते थे आपको पता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे जर्नी प्ले आउट हुई है, और पुरानी ज्वेलरी का भी क्या हाल है अगर बेचने जाओ, क्योंकि जो जहाँ 916 नहीं लिखा और हॉलमार्क नहीं है तो आपको पता है क्या है। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उस टाइम पे बहुत विरोध होता है। टाइपराइटर से जब कंप्यूटर आए तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई, टाइपराइटर ठीक तो था, टाइप करो निकालो, ये कंप्यूटर पे तो बच्चे वीडियो गेम खेलेंगे, अरे कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा दुनिया की, बहुत तकलीफ हुई थी। वॉशिंग मशीन शुरू में आपको याद है सेमी ऑटोमेटिक आई थी, तो कईयों का ब्योंत नहीं था लेने का, या कई स्टोरियां सुनाई जाती थी, अरे ये क्या सफाई होती है, सबके कपड़े एक साथ डाल दो भाई, छी छी हम तो ऐसे नहीं करेंगे। बहुत माताएं बहनें सोटे मार मार 10 साल निकाल दिए लाइफ में, उन्हें पता नहीं चला सेमी ऑटोमेटिक का, फिर धीरे धीरे आपस में एक दूसरे को पता चला यार ये वॉशिंग मशीन बुरी चीज़ नहीं है, इसमें धुल जाते हैं, सुखा सकते हैं, ये सब था। सेमी ऑटोमेटिक से जब ऑटोमेटिक आई, अरे बहन जी ऑटोमेटिक बेकार है, इसमें साबुन का नाश होता है, पानी जाता है, एक बार बंद कर दो फिर ये, हम तो अपनी वाली में 2 बार घुमा लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, क्या लगता है जी, मतलब घूम जाते हैं, अपने कपड़े निकालो स्पिन टब में डालो और करो, ये ऑटोमेटिक इतनी महंगी कर रखी, इन्हें क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे भाई साहब आप लोगों को सबको पता है उसके साथ भी क्या हुआ, पता है नहीं पता प्लीज़ कॉमेंट करना, मेरे एग्जाम्पल्स कैसे लगते हैं ये बताना। इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूं मैं ही अपने आप को बोलता हूं, आप लोग यकीन करते हैं तो कमेंट कर लो, नहीं करते तो मेरे से बेटर जो है मेरे को उसका बता दो कौन है, मैं उससे कुछ सीख लूंगा शायद। एग्जाम्पल्स लाइफ के एक्चुअल कैसे चलती है लाइफ, वो बहुत जरूरी है। हवाबाजी में कुछ बोलना कहना डजंट वर्क, व्हेन यू हैव डेटा एंड व्हेन यू हैव फुल विजडम एंड नॉलेज, उसमें से जब आप इतना ही निकालते हो तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपका रिजर्वायर है, वो रिजर्वायर में से ही चीज निकाल रहा हूं। टॉपिक माइवन कंस्ट्रक्शन का लेकर आता हूं मैं, माइवन कंस्ट्रक्शन नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि कल पैदा हुई है मेरे को नोबेल प्राइज दे दो, मैंने परसों ली है और मेरा इसका क्लेम टू फेम है, है जी 30 साल पुरानी, इंडिया में नहीं है रिलेटिवली, अदरवाइज गुड़गांव में अदानी ओइस्टर ग्रैंड बना हुआ है बहुत शानदार बढ़िया, जाके देख लो, तो ऐसा कोई कल की चीज ये नहीं है, लेकिन फिर भी नई है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं मार्केट पे, पर एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। आप ये नहीं कह सकते थे कि हॉलमार्क को 10 साल चला के देखो कैसी लगती है, 5 साल चला के देखो, भी 10 साल में तो रेट कहां से कहां चले जाएंगे। आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू प्लीज कॉमेंट बिलो, 2019, 2020, 2021 प्रीमियम सेगमेंट में नए लॉन्चेस में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ फ्लैट्स, वो 3-3, 4-4 मंजिले जो बनते हैं ये बिल्डर फ्लोर टाइप, इनकी बात नहीं कर रहा, प्रॉपर प्रीमियम कंस्ट्रक्शन जो है एक भी नहीं है। तो ये आइदर और वाली स्टोरी नहीं रहेगी, ये वो स्टोरी हो गई है कि पार स्टेयरिंग की गाड़ियां ही आ रही हैं, नॉन पार की बननी बंद हो चुकी हैं। इन्वेंट्री है नॉन पार की मार्केट में अभी, पर नई फैक्ट्री से केवल पार स्टेयरिंग की आ रही है। तो ये बोलना तो बहुत आसान है, नहीं नॉन पार भी बढ़िया है चल लेगी,
क्या फर्क पड़ता है, इतने साल से चल रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ट्रक भी चलाते हैं, थोड़े हाथ पैर ये मजबूत हो जाएंगे, हमारे भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्वेंट्री बची है। उसी तरह यहां भी इन्वेंट्री बहुत बची है, पर आपको लाइफ में जब क्लैरिटी देनी है एक ग्राहक को तो कमिट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते जो आपको चाहिए ले लो, फिर एडवाइजिंग किस चीज की भाई। आपको ये देखना है, छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। कोई लड़की वाला आया अपने किसी रिश्तेदार के पास कि भाई लड़की जवान हो गई है, 24-25 साल की, लड़का ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बताओ, जरा ध्यान रखना। तो क्या आप ऐसे बोलोगे अरे कोई भी लड़का ले लो जी, सारे एक जैसे हैं? अच्छा वो वाला पता है, वो तो शराब पीता है। अरे शराब पीता है तो क्या हो गया, बाकी उसमें खूबियां देख लो। अरे यू विल हैव टू स्टिक योर नेक आउट एंड से दिस इज ओके दिस इज नॉट ओके। सब चीज में बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, तो बोले कोई पप्पू के पापा जल्दी आओ, 6 बजे सही टाइम दिखा रही है, घड़ी पूरी खराब नहीं है भाई। दिन में तो बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखा देगी पप्पू के पापा को, तो वो ठीक होगी घड़ी। तो आपको देखना है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनएविटेबल है, तो मैं समय की तरह ऑब्जर्व करके बता रहा हूं क्या हो रहा है। मैं खुद फंसा हुआ हूं नॉन करने पुराने वाली में, नहीं बिकते पुराने फ्लैट। आप बेचना निकालो और देखो रेट क्या है। कोई नया यंगस्टर जो पहला घर खरीद रहा है आज के दिन, 30-35 साल का डबल इनकम ग्रुप, कोई भी पुराना फ्लैट लेने को तैयार नहीं है, काली पीली टैक्सी बन जाएंगी इनमें। आप ये बोल रहे दिल्ली में, जैसे दिल्ली के लोगों से बातचीत होती है, कहते भाई साहब ये ना माइमन में अच्छा नहीं है, कुछ बोलते हैं दिल्ली वाले बात होती है। मैंने कहा क्यों, तोड़ के हम इसको नहीं कर सकते, हम बोर हो गए तो। मैंने कहा अच्छा, तोड़ तो नहीं सकते इसको, बट आपका क्या प्लान है कि बेडरूम को तोड़ के ड्राइंग रूम को बड़ा कर दो, फिर अच्छा लगेगा, और फिर बाद में बेडरूम की जरूरत पड़गी तो छत के अंदर छेद कर दो, ऊपर वाला फ्लैट ले लो, फिर स्टेयरकेस लगा लो। हाँ जी पैसा आ गया तो हमारे पास। अरे पैसा आ गया तो यही क्रिएटिविटी दिखानी है। मेरे पास बहुत पैसा आ गया और मैं इस नाक से बोर हो चुका हूं, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करा दूं क्योंकि मैं बोर भी हूं और मेरे पास पैसा भी है। अरे पैसे के बहुत लगाने की और भी चीजें हैं, पर्दे चेंज हो सकते हैं, फर्नीचर चेंज हो सकता है, बीवी को डायमंड की रिंग दे दो, फॉरेन कंट्री घूम लो, गाड़ी ले लो। ये अमीर, एक्चुअल अमीर जो होते हैं ना जी, वो ये घर में तोड़ा फोड़ी नहीं करते। अमीर मतलब अ म को ई की मात्रा, ये काम अधीर करते हैं ध को बड़े ई की मात्रा। तो आप अमीर बनेंगे या अधीर रहेंगे ये आपको डिसाइड करना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग माइवन में जो होती हैं, प्लीज जाइए ये प्रीमियम बिल्डर्स के पास, पूरा नक्शा बना के देते हैं, सीडी बना के देते हैं, सॉफ्ट कॉपी सर्वर पे डाल लो, और जहां पे इनका वो बॉक्स होता है उस पर सारा डिजाइन होता है। आपको पुराने बिल्डर फ्लोर जो बने हुए हैं बिकते हैं, इनकी तरह नहीं ढूंढना पड़ेगा बना के चला गया कहां कौन सा बना के गया है सब। इनफैक्ट ये तो बिल्डर फ्लोर वाले भी बना के देते हैं, मैं क्यों इनको बुरा कहूं। तो जब टेक्नोलॉजी आ गई है, नॉलेज आ गई, सब कुछ ठीक हो रहा है। प्लम्बर को बुला के आपको नल के ठीक नहीं कराने, कुछ दिक्कत नहीं है सीपेज की, क्योंकि सारा माइवन में पाइपिंग लेटेस्ट बात है 2021 जून की, सब बाहर है पाइप। तो पाइप जब कोई अंदर है ही नहीं तो तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ेगी। ये सारे जो लिस्टेड प्लेयर हैं ये जो मार्केट में, और ये इतने नीचे से आए हैं साउथ से, आज 2-3 साल से आए हैं, ये बावली भूच है। आप इनको बावली भूच समझते हैं कि ये मतलब इस तरह की चीजें दे विल नॉट टेक केयर ऑफ। अरे प्रॉब्लम तो तब होगी जब प्लास्टर आपका कन्वेंशन वाले का गिरता है, मुर्गा जाली लगाने के लिए 18वीं मंजिल पे कौन बैटमैन चढ़ाओगे, स्पाइडरमैन चढ़ाओगे बताओ, और इतना सा टूट गया आपके फ्लैट का टूटा है, तो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के पास जाओगे, बोलोगे भाई साहब इसको ठीक कर दो। और वो गिरता क्यों है, क्योंकि जो ईंट लगी है 5 नंबर के भट्ठे की नूनी ईंट लगी हुई है। जब ये सारे बन रहे थे तब के डेटा है मेरे पास, नूनी ईंट लगी पड़ी है, प्लास्टर पूरा लगाया नहीं, बारिश होती है कैपिलरी इफेक्ट है, प्लास्टर निकल जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं। द्वारका एक्सप्रेस वे पे 2010 से 2017-16 के बीच में जो भी इस तरह के बने,
इनका ये भी नहीं चाहते थे इतने बुरे बने, ये इनको पता ही नहीं था ये पानी जो दिया जा रहा है टैंकर माफिया इनके गर्दन के पीछे पड़ा हुआ था बिल्डरों की, वो पानी में नमक था, उसकी क्यूरेट किया जब इनने पानी को, पानी फेंका तो वो पानी ही ठीक नहीं था। कोई बिल्डर भी नहीं चाहता मेरा इतना रेपुटेशन खराब हो, ठीक है स्वाता स्वाता सा प्रॉफिट चाह रहे थे, लेकिन अब उनके हाल बुरे हैं। और वो उनमें से कुछ ये मार्की बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी 2010 11 12 13 14 15 16 के प्रोजेक्टों में बहुत इश्यूज हैं। तो वो टेक्नोलॉजी इसीलिए ही आई कि आपको वो चीज जो आदमी सोचता था इंडिया में कि यार 15 20 25 साल में तो फ्लैट के हाल यही होते हैं, तभी किसी को अच्छा नहीं लगता। देखो किसी को नॉलेज हो चाहे ना हो किसी टेक्नोलॉजी की, लेकिन हर आदमी को पता होता है भाई ये अच्छा है ये बुरा है, देख के पता चल जाता है। तो मेरे पास भाइयों बहनों कोई ड्रोन शॉट वाला काम तो है नहीं कि मैं बना के आपको सब दिखाऊं, मेरे तो आप ही सब्सक्राइबर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, कल परसों ही बने, आप सबको शुक्रिया उसके लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 15 से 20 सेकंड का एक वीडियो बना के मुझे दे दीजिए, अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या उसके आसपास से गुजरते हैं जो बाहर से ऐसी दिख रही हैं, मेरे को बना के दे दीजिए, उसको मैं 10 मिनट की एक क्लिपिंग बना दूंगा। मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं डिस्प्ले करना, हमारे ही भाइयों के फ्लैट हैं उसमें, मेरा एम कोई मार्केट क्रैश करने का नहीं है, फियर मॉन्गरिंग का नहीं है, मेरा एम है लोगों को जागरूक करने का। ये हो रहा है, दिल्ली वालों को आइडिया कम है पर अब उनको भी हो गया है, दिल्ली वाले भी अपनी क्रिएटिविटी से बोर हो चुके हैं। कौन सी क्रिएटिविटी से, ये तोड़ दो वो फोड़ दो डीडीए का कर दो, अभी मेरी किचन बड़ी कर दी, आज बाथरूम बड़ा कर दिया, परसों ये कर दिया, ये वाले शौक से बोर हो चुके हैं। बाहर उनकी सोसाइटीज जो डीडीए की हैं वो अपनी कवर कर रखी हैं, बालकनी कवर कर रखी है, किसी ने कुछ लगा रखा करा, अब वो कह रहे हैं भैया गुड़गांव चलो, चलो गुड़गांव चलो। और गुड़गांव में भी पुरानी कन्वेंशनल सोसाइटीज, एग्जाम्पल लेट से महिंद्रा हो रहा, कुछ नहीं चेंज कर सकते, बिल्डर बाय एग्रीमेंट में लिखा है, बाय लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, बिल्डर के हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरल डैमेज होने का खतरा है। क्या आप ऐसे ही सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहां आपका ऊपर वाला खट पट लगा ही हुआ है, नीचे वाला भी अधीर मिल गया आपको, ऊपर वाला भी मिल गया, पूरी जिंदगी आपकी खट पट, नीचे से दीवार हिल रही है ऊपर से दीवार हिल रही है, सेस्मिक जोन 4 में है हम, किसी टाइम तो हम बोलते हैं अरे भैया भूकंप आ गया नीचे लेंगे, अरे जब भूकंप का इतना डर है तो भाई जो ये नए वाले बन रहे हैं ये रिक्टर स्केल 8.59 तक वाला प्रोग्राम हो रहा है, पुरानी गाड़ियों में तो सीट बेल्ट भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे गाड़ियों में सीट बेल्ट आई, फिर अच्छे वाली आई, फिर आगे दो एयरबैग्स आए, अब 6-6 पूरे एयरबैग्स हैं। तो फिर आप ये थोड़ा बोल सकते हो क्या होता है ये तो मरना जीना तो भगवान के हाथ में है पुराने में लो, अरे जस्ट बिकॉज इन्वेंट्री है, जब ये सारी चली जाएगी तब खुल के बताएंगे लोग कि नहीं नहीं अब वी हैव डिस्कवर्ड यस नाउ सिंस द इन्वेंट्री सारी चली गई। मैं ये बताना चाह रहा हूं रियल एस्टेट बेचने वालों को भी बनाने वालों को भी, बनाने वाला तो स्मार्ट है क्योंकि उनका मोटा पैसा लगता है, लेकिन जो बना हुआ है माल वो अगर कचड़ा माल है तो सस्ता है, उसको बेचने का इंसेंटिव ज्यादा है और लेने वाला भी सस्ता चाहता है, तो तीनों गोल्स अलाइन होंगे ना, ये माल सस्ता, बेचने वाले को इंसेंटिव, लेने वाला भी सस्ता। पर मैं ये बोल रहा हूं कि क्या एक फेयर नहीं होना चाहिए डिस्कशन, क्योंकि मैं विवाद में बिलीव नहीं करता, विवाद तो होता है आर्गुमेंट, मैं संवाद में यकीन करता हूं, संवाद में क्या होता है डायलॉग होता है, एक टॉपिक है ये डिस्कस हो रहा है इस पे मैं ये बोल रहा हूं, आप ये बोल रहे हैं, कोई ये बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सनलाइज नहीं करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिस्कशन क्या हो रहा है, क्या इस टॉपिक को चर्चा का विषय बनाना चाहिए क्योंकि लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है, क्या आप चाहते हो कि वो काली पीली टैक्सी में डाल दे नया, जो फंसा हुआ है वो तो फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हुआ हूं, मैं ज्ञान बांट रहा हूं लोगों को, मैं भी एक में फंसा हुआ, बाकी तो मेरे को रियलाइजेशन आ गया था तो मैंने निकाल दिए, घर से भी विरोध आया अरे इतने का है इतने का रेट सुना हुआ है क्या निकाल रहा है ये निकाल रहा है, अरे नाउ दे हैव रियलाइज्ड। आप सबको मेरे कहने पे एक एक्सरसाइज करनी है, आपको
वो फोटो वाला तो मैंने बोल ही दिया, वीडियो बना के 15 सेकंड के दे दो, जहां जहां आपको दिख रहा है ये झड़ता पड़ता प्लास्टर आप ये दे दो, मुर्गा जाली को 15, 20, 25 मंजिल पे स्पाइडरमैन बन के नहीं ठीक करने वाला, वो हमेशा ऐसी ही शैबी रहेंगी और ये शैबीनेस की हमें आदत हो चुकी है। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूं, मैं जैसे कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी रिसर्च कर रहा होता हूं तो ये जो हीरो हीरोइंस होते हैं मुंबई के, मैं इनको बड़ा ऑब्जर्व करता हूं, कोई जिम से निकल रहा है चश्मा निकाल रहा है, वो कैमरे वाले, अरे मलाइका जी करीना जी वरीना जी, वो छोटे छोटे 20 सेकंड के क्लिप्स आते हैं तो मैं वहां करीना जी मलाइका जी को नहीं देखता, मैं पीछे देखता हूं ये निकल कहां से, नहीं पीछे क्या है, बुरा हाल है जी उनका, बुरा हाल है, सीपे जो रखी है आप देखते हो यार, ये हीरो हीरोइन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बिल्कुल ही कोई शाहरुख खान लेवल एंड ऑल दैट, पर बाकी लोग जो निकलते हैं जिम जाते हैं कहीं जा रहे हैं, इनके कैमरा है पीछे, देखो कैसे बकवास काम है इनका। तो यहां पर माइविल कंस्ट्रक्शन आया, सबसे पहले मुंबई में आया, बिकॉज दे रियलाइज कि अरे कचड़े से ऊपर रहो, कि अगर हम अमीर हैं, हम पैसे वाले हैं, कुछ है तो भाई ये देखने में अच्छा होना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये लोग आपको मैं जून 21 में बता रहा हूं, लोग जून 22 में बताएंगे, बस ये फर्क है। जून 21 से जून 22 में क्या होगा, 365 दिन में, 365 दिन में होगा, जितनी पुरानी इन्वेंट्री है उसको ठिकाने लगाना है, एक बार वो ठिकाने लगी फिर कोई और स्टोरी सुनाने लग जाओ। तो ये चीज में आपको रखना है, हीट एफिशिएंसी इन माइवन कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई, हीट ब्लास्ट फर्नेसेस जो होती है ना वो अंदर से पूरी गर्म होती है, बाहर से आग नहीं लग रही होती, तो माइवन कंस्ट्रक्शन वाले में आग लग जाए ना और काफी देर तक लग जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आए तो पेंट का ही नुकसान होगा, वो पिघलकर लोहा पिघलकर और गिरने नहीं लगेगी, उसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि जहां आग लगाई जाती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी भी टेस्टिंग में या ब्लास्ट फर्नेस में, वो यही मामला होता है कंक्रीट का, आप लोग जो थोड़े साइंस जानते हैं आप लोगों को पता होगा, और अंदर टेम्परेचर 1000 है, इस कंक्रीट के बाहर यहां 40 डिग्री है, यूट्यूब पे बतेरे वीडियो बनाए हुए हैं, चेक कर लो। मैं जो भी इंफॉर्मेशन और वीडियोस बनाऊंगा उसको गूगल करके क्रॉस चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये बोलना मुझे ऐसे लगता है, ऐसे नहीं है, वैसे है, वो तो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स तो चेंज भी हो जाती है मार्केट में, क्योंकि हमें बिन पैंदी का लोटा नहीं बनना है कि आज ये भी ठीक है फिर बोल दो अब ये ठीक है, ये भी ले लो वो भी ले लो। टॉपिक में मैंने क्या बताया था, बहन जी कुछ भी ले लो कैन नॉट बी एन एडवाइस, बहन जी ये ठीक है बाकी आपकी मर्जी है, चीज यही ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है और इस वजह से ठीक नहीं है, तो ये क्लैरिटी मार्केट में एम कंफ्यूजन बढ़ाने का नहीं, कंफ्यूजन कम करने का है। बाकी देश आजाद है, पैसा इंडिविजुअल का है, जिसको जहां जैसे लगाना है लगाना चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज देखनी है कि जी मेंटल ब्लॉक बहुत है टेक्नोलॉजी में। मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल से बताता हूं, मैंने इतना स्टोरी सुना दी अभी तक, डिश वॉशर मेरी मेम साहब बीवी लेकर आई, यार डिश वॉशर क्या है ये, भय भय करके चलेगा, 2-3 घंटे में धुलेंगे, फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जो मेड है ना वो पैसे पूरे ले रही है डिश वॉशर में डालने के, मतलब अगर उसके 2-3-4 हजार जो लेती है ना वो, तो बर्तन को कुछ कुछ करती है, थोड़ा निकालती है फिर उसको डालती है सेट करती है फिर वो धुलता है फिर वो सेट करती है, वो सारी प्रक्रिया में मेड अपने पूरे पैसे ले रही है, तो मेड के पैसे कम नहीं हुए। अच्छा उसके अंदर जो प्रोग्राम डलता है ना अलग अलग कुछ उसके, वो भी अच्छे महंगे आते हैं अमेजोन वगैरह से, और वो मशीन तो चलती चलती है, वो बिजली अलग लेती है। अरे पर भाइयों बहनों बर्तन क्या धुलते हैं, अरे वो छाननी होती है ना, वो ऐसी नहीं हो जाती है चाय पत्ती वाली की, वो हो चाय पीने का मन करता नहीं तो ऐसी काली, पता ही नहीं था, अरे उससे पहले पता ही नहीं था। तो टेक्नोलॉजी का तो जी ये है कि हाँ जब नहीं पता तो नहीं पता, और जब पता चल जाए तो फिर क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी है। क्या ये महंगी है, बिल्कुल महंगी नहीं है, आप इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझें। पुरानी कंस्ट्रक्शन 100 रुपए की थी, 50 रुपए लेबर लगते थे, 50 में उसका माल लगता था, ठीक है। अब माइवन कंस्ट्रक्शन हो गई है जी 110, 80 रुपए का माल लगता है और 30 रुपए लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ गई पर माल 80 का डल रहा है। तो क्या भाइयों बहनों आप हलवा देसी घी वाला खाना पसंद करेंगे या डालडा वाला, या आप बोलेंगे नहीं मैं 3 हलवाई लेके आऊंगा और डालडा वाला डालूंगा और खूब ऐसे ऐसे करके बनेगा, और एक जगह कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां कुछ अपने आप कट जाता है बन जाता है डल जाता है और एक ही हलवाई है और देसी घी डल रहा है। ऑब्वियसली आप कहोगे यार माल चाहिए मुझे, तो स्किल्ड लेबर है यस, लेकिन
स्किल्ड लेबर अपने कंट्री में पूरी आ रही है, वैल्यू अपचेन पे जा रहे हैं, माल 80 रुपए का डल रहा है, 110 है, पर 110 रुपए महंगी नहीं है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड भी होता है बिल्डर का। तो ये चीज मान लो 4 साल में बन रहा था स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बन गया 1.5 साल 2 साल में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ गई, 110.90 बन गया। तो जब बिल्डर को चीज बढ़िया दे रहा है, बिल्डर बन जल्दी रही है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी कम पड़ रही है, तो भाइयों बहनों यही तो टेक्नोलॉजी चाहिए, यही तो चाहिए और यही तो टेक्नोलॉजी होती है जीवन में। आज के दिन एलईडी के जो टीवी हैं, ये एज ए परसेंटेज ऑफ योर सैलरी कितने के हैं आप बताइए। 30 साल पहले टीवी लेने जाओ ना तो जान निकलती थी, तनख्वाह निकल जाती थी, टीवी लेना किस्तों पे होता था, और मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं दुनिया मोहल्ले वो रामायण महाभारत एक दूसरे के घरों में जा जाके देखते थे टीवी, मुझे याद है वो सारे टाइम्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रही है तो चीजें बेटर, सस्ती और अच्छी हो रही है। दूसरी चीज, इंडिया की कहावत है दादा ले पोता बरते, वी हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, दादा ले पोता बरते। तो जब छोटी चीजों में दादा ले पोता बरते का अप्रोच होती है हमारी, हम हमेशा जब भी कोई चीज लाते हैं तो बोलते हैं भी सॉलिड किफायती चीज चाहिए हमें, हम ये नहीं बोलते सस्ती चाहिए मैं चेंज कर लूंगा। अरे कपड़ा थोड़ना है कि पहना चेंज कर दिया। आजकल आपको देखना है जी, इस वर्ल्ड में आपको एक कॉन्शियसनेस के साथ भी जीना है, आप ऐसे कचरा नहीं फैला सकते कि घर बना लो घर बना लो, ये बार बार घर बेचना खरीदना बना लो ये कर लो, इसमें फायदा किसका है? बिल्डर्स का भी फायदा नहीं है, फायदा जो बेच रहे उन्हीं का है, आपके ट्रांजैक्शन बढ़ाने का। आज जी इसको ठीक करा लो, आज इसको बेच दो, हम आपको एग्जिट दिला देंगे, एंट्री दिला देंगे। एंट्री एग्जिट शेयर मार्केट थोड़ा है भाई, इनफैक्ट शेयर मार्केट में भी सारे गुरु बोलते हैं वॉरेन बफे से लेके सब तक, यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। वेल्थ आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स एंड माई ऑडियंस इज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बोर होना चेंज करना, अरे 7 जन्म तो बीवी का साथ है इंडिया में, इंडिया में तो हम चीजें छोटे लेवल पर करते ही खाएं, मतलब कि थोड़े दिन के लिए। बीवी 1 जन्म की नहीं है, 7 जन्म की बीवी बंदी हुई है। अब अमेरिका थोड़ा है कि मतलब भी बोर हो गए फिर मैरी से वो दूसरी वाली आ गई, क्या बोलते दूसरा क्यों नाम वाली ले ली। तो वी डू नॉट गेट बोर्ड दैट इजीली। अगर आप इतने बोर घर से हो रहे हैं तो इंटीरियर बदल लो, और ब्यों तो आपका बहुत अच्छा हो गया तो घर ही बदल लो ना, अच्छे वाला ले लो ना। आपको उसी घर के अंदर तोड़ फोड़ करके वास्तु खराब हो जाती है, जहां आपका बाथरूम कभी था वहां आप किचन नहीं बना सकते, मतलब वास्तु स्पेशलिस्ट भी हूं मैं। तो देयर इज टू मच टू दीज थिंग्स। नई टेक्नोलॉजी का विरोध होता है, हमेशा होता आया है, टाइपराइटर था तब हुआ, मैंने बताया ना डिशवॉशर में तो मैंने ही विरोध किया अपनी बीवी का कि यार पैसे भी जा रहे हैं, मेड को भी जा रहा है, खर्चा भी है, बिजली भी है, लेकिन जो बर्तन का बर्तन ऐसे चमक गए, वो साबुन खा रहे थे हम, अब वो देखने में नहीं दिखता तो क्या होता, आंखों को तो दिखता है ना। डिशवॉशर सब ले लो, बाकी कुछ लो जाना लो, डिशवॉशर सारे के सारे ले लो, वो भाप और गर्म पानी और क्या, मतलब उसकी मतलब इट इज ए एक्सीलेंट प्रोडक्ट। घरों में लोग चिमनी नहीं लगाते थे, वो सूद वो जो एग्जॉस्ट फैन है ना चिपका पड़ा है, सारी दीवारें आपकी चिपकी पड़ी हैं ऐसे। चिमनी कितने की आती, 25-30-35-40 की, और अच्छे सक्शन वाली। लोग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो, जिसने नहीं चेंज हुआ तो इन्वेंट्री जब तक होती है तब तक तो सब हल्ला ही मचाएंगे। क्योंकि देखो आप एक चीज समझिए, देखो मैं भी समझता हूं बात, ठीक है, मुझे भी दर्द पता है। आज के दिन नॉन माइवन में रहने वाले 98% लोग हैं, तो अगर ये हल्ला मचा के इनकी वैल्यूएशन कम करी, मैंने कंट्रीब्यूट किया जिसमें मैं भी भागीदार हूं, जैसे आप हैं, मेरा एक ही है, हो सकता है किसी के 2-3 हो, लेकिन मोस्टली सबका एक ही होता होगा मैं मान के चलता हूं, तो वैल्यूएशन आती है कम, वो दर्द समझता हूं। लेकिन फैक्ट ये है कि भाई अब नया ले लो अपना, मेरा ऑडियंस तो 2-2 लाख है नहीं अभी, तो जिसके समझ में आ रहा है वो ले लो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन अपनी सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लो। 21 जून मेरी प्रॉपर्टी का रेट इतना, कॉल करो उसको भाई कितने में बिकेगी, कुछ तो रेट डालो।
अगर वो बोला भाई साहब बिक नहीं रही, अभी तो खरीदार नहीं है, अरे आप मुझे बताओ पुरानी प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं है, एक्सप्रेसवे पे रेट देखो कहाँ जाते जा रहे हैं, कोई लॉन्च आता है ऐसे लपका जाता है, ऐसे लपका जाता है, आप लोगों को भी पता है, अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके एसी थ्री टायर प्रॉपर्टी जो मैं बोलता हूँ एसी टू टायर सब लपकी जा रही है, सबके रेट बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया 2019 से जो लॉन्चेस हुए थे मायवन वाले उनके रेट बढ़ गए हैं? कॉस्ट शीट चेक कर लो, मैं बता देता हूँ कितने बढ़ गए। कॉस्ट शीट आती है अभी वाले की पहले वाले की कंपेयर कर दो, यूट्यूब पे बोलोगे यहां दिखा दो, ठीक है 25-30% रेट बढ़ गए, और पुराने वाले फ्लैटों के 1 रुपया भी बढ़ा तो छोड़ो कम होता जा रहा है। तो ये आप बोल रहे हो कि आपको अच्छा रेट कब मिलेगा, जब ये सारे मायवन पोजीशन में आ जाएंगे। अभी तो फिर भी लोगों को रेडी टू मूव इन का भूत है बहुत बड़ा, चीज बिक जाएगी क्योंकि अभी भी लोगों को डर है कि नई चीज में जाएंगे तो मिलेगी नहीं। जिस दिन दो साल में ये पोजीशन टाइम पे आने लग गए और लोगों का ये भय भी चला गया कि नहीं यार चीज 4-5-6 साल में मिल जाती है, तो भैया फिर तो कोई भी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि इनकी ही सप्लाई आ रही है। जितने भी लाइसेंसेस लगे हुए हैं, जो भी फ्रेश लॉन्चेस हैं प्रीमियम सेगमेंट में बड़ी वाली में, सारे ही तो मायवन हैं। तो आपको ये देखना है कि इस टेक्नोलॉजी को आप लव कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई इस पे अभी शक रह जाए कि नहीं अभी इसमें मेरे को लग रहा है कि ओहो ये खराब हो सकता है वो खराब हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि छोटी मोटी कोई चीज ऐसी है नहीं जो खराब हो सकती, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडियन मार्केट में भी मुंबई का मार्केट को अगर मैं काउंट करूं, क्योंकि गुड़गांव का जो प्रोजेक्ट रेडी है वो मैंने बता दिया है, तो इंडियन मार्केट में भी 6-7 साल से आ रखी है। लेकिन अब ये वो टाइम है कि थोड़े दिनों में पावर स्टीयरिंग की गाड़ी ही मार्केट में आ रही हैं, वही बिकेंगी और पुरानी गाड़ियां सारी काली पीली टैक्सी हो जाएंगी। आपको डिसीजन लेना है इसमें। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया लेकिन चीजें क्लियर करनी जरूरी हो जाती हैं। शेयर करिएगा, बताइएगा, कमेंट करने में घबराइएगा नहीं, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जो मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि वीडियो बनाकर आप लोग मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भैया आपको ये चीज देखनी है। जब प्लम्बर का इश्यूज होते हैं ना ईंट वाली के अंदर एम्बेडेड के अंदर, तब वो तब तोड़नी पड़ती है, मायवन में नहीं तोड़नी पड़ती, क्योंकि मायवन में तो बाहर से जा रही है, अंदर है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।